सलमान खान ने 15 अगस्त वाले दिन टाइगर नू लै के कीती एक वड्डी अनाउंसमेंट। हेलो नमस्ते ते सत श्री अकाल, वेलकम टू द शो फिल्मी वर्ल्ड ते मैं हां तेडी सेवी लेके आई हैं बॉलीवुड ते बॉलीवुड दिया कुछ खतियां ते मिठियां गल्लां। हाय आज मैंने पता कितना वेट करना पे इतने आंदे आंदे बहुत ज़्यादा वेट करना पे तानू न्यूज़ देन दे चक्कर दे विच मैं की नहीं सुनिया। खैर मेरी छड्डो, मेरी दुख भरी कहानी किन्ने सुननी है, कोई नहीं सुनता। तुसी सिर्फ सलमान खान की गल सुनो जिन्होंने की एक वड्डी अनाउंसमेंट। जी हाँ, 15 अगस्त नू उन्होंने एक वड्डी अनाउंसमेंट की टाइगर फिल्म नू लैके। तुसी तां इह जानदे हो कि टाइगर फिल्म जिहड़ी कि आई सी 2012 दे विच और काफ़ी हिट भी हो गई सी, हिट 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 हिट, और उहदे विच कैटरीना कैफ सीगे, है ना। फिर उस तों बाद आई जी टाइगर 2 जिहड़ी कि आई सी 2017 नू, ते वो भी हो गई सी हिट 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 हिट, काफ़ी हिट जी। ए भी फिल्म हो गई सी हिट। ते हुन सलमान खान ने जेड़ा कि अनाउंसमेंट कीती है, उन्होंने अनाउंसमेंट कीती है दस दियाँ थोड़ा मैं एक्साइटमेंट तो तुम कर लें दो। खैर छड्डो की करनी है, मैं तुम दस दिनी है जी। उन्होंने अनाउंसमेंट की है टाइगर 3 मूवी की। उन्होंने की अनाउंसमेंट की है जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की है रिलीज डेट। जिहड़े इन्नी ज़्यादा वेट कर रहे थे कि टाइगर 3 कदों आएगी। फिलहाल तो यही सिर्फ सुनना चाह रहा है कि शूटिंग चल रही है। लेकिन हुण सलमान खान ने अपने फैंस को देता है कितनी कू जहा गिफ्ट और बड़ी जी अनाउंसमेंट जी। ये फिल्म आएगी 21 अप्रैल 2023 दे विच, मतलब अगले साल तक ये फिल्म आ जाएगी और तुहानू सारयां नू देखण मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा तुसीं इहदे विच इंजॉय करोगे मैनू पता, क्योंकि हर बार टाइगर जिहड़ी हैगी है चढ़ती है, हिट होंगी है, धमाके दिंदी है। तो इस बार भी सलमान खान तो यही उम्मीद है कि जिहड़ी टाइगर 3 आ रही है ये भी बहुत सुपर डुपर हिट होएगी। भाई हिट तो होनी चाहिए, सलमान खान भी तो हिट है। दबंग दबंग दबंग, हमारे सलमान खान दबंग, जिनकी टाइगर 3 आ रही है मूवी 21 अप्रैल 2023 दे विच, और बहुत जल्द आने दिखाने मिल जाएगी जी। बहुत जल्दी रिलीज़ हो जानी है, तुसी देखोगे, तुसी इंजॉय करोगे। तो तुहानू मैं दस दवा, इस फिल्म के बिच हीरोइन जिहड़ी है वो चेंज नहीं की गई है, हजे भी कैटरीना कैफ है। भी कई बात है, विआह तो बाद भी उन्होंने जो रिलेशन है सलमान खान के नाल ते कैटरीना कैफ के दोनों का जो रिलेशन है बहुत ही वधिया है। मतलब विआह तो बाद भी वो एक दूसरे के नाल एज अ फ्रेंड बहुत ही अच्छे है, काम करते हैं और एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लेकिन उत्थे ही जिथे कैटरीना कैफ का गुस्सा हजे भी ठंडा नहीं होया किनू लैके रणवीर कपूर नू जी, हाँ हजे भी रणवीर कपूर तो बहुत खिजे होया। खैर छड्डो, आप ये गल्ला नहीं करनी, आप सिर्फ टाइगर 3 की गल करते हैं। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਈਗਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਗਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਾਈਗਰ 3 ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਦਿਤਯ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਲਮ। ਫਿਲਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਏਗੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਗਰ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।